वेल तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम सभी लोग गाइस बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 गेम्स के बारे में जो कि बिल्कुल फ्री में आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम स्टीम, एपिक गेम्स, ऑल ऑफ द अबव, मतलब भाई साहब कोई भी यहाँ पर मैं आप सभी लोग को बता सकता हूँ प्लेटफॉर्म। ज्यादातर गेम्स तो गाइस यहाँ पर स्टीम में फ्री हैं, बट एक दो गेम है जो कि एपिक गेम्स वाली हैं, तो आप देख लेना। यहाँ पर गाइस बात करेंगे टॉप 5 फ्री गेम्स के बारे में, बहुत ही बढ़िया। अगर आप सभी लोग भी न्यू गेम्स ट्राई करना चाहते हो बिल्कुल सही वीडियो में आ गए हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गाइस मैं सारी गेम्स आपको वही बताऊंगा जो मैंने पिछले वीडियोस में नहीं इंक्लूड की हैं, तो शायद आप सभी लोग जो गेम सोच रहे होगे लाइक माइनक्राफ्ट, पता नहीं क्या क्या, भाई सब सभी गेम्स मैंने पहले इंक्लूड कर दी हैं, CS:GO वगैरह, वैलोरेंट सब इंक्लूडेड है गाइस पिछली वीडियोस में। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो सभी रिपीट करते हुए आपको न्यू गेम्स के बारे में बताना, यही मेरी जॉब है। जल्दी से बात कर ले सबसे फर्स्ट गेम के बारे में। सबसे फर्स्ट गेम का नाम है वैम्पायर ब्लडलाइंस। अब गाइस यहाँ पर ये वाली गेम आप सभी लोगों को वैम्पायर वाली देखने के लिए मिलती है, एक एक्शन रोल प्लेइंग गेम है ये। आप सभी लोगों को फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन दोनों ऑप्शन मिलती हैं। आप सभी लोगों को यहाँ पर गेम के स्टार्टिंग में अपना वैम्पायर क्रिएट करना होता है, इधर मेल और फीमेल। एंड गाइस आप सभी लोगों को उसको वैम्पायर क्लैन देना पड़ता है, आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आपको कॉम्बैट स्किल्स मिलते हैं, लड़ाई का मतलब सारा सीन बहुत बढ़िया इस गेम में, एक्शन बहुत ज्यादा, आप सभी लोगों को मजा आ जाएगा। ये गेम गाइस आप सब लोग तब जरूर प्ले करना अगर आप सब लोग थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट चाहते हो, मतलब मजे चाहते हो, बिल्कुल भी जैसे गाइस एक स्लो सी गेम होती है, स्मूथ सी चल रही है, वो सीन आपको नहीं चाहिए, थोड़ी सी अफरा दफरी मजेदार मतलब एक्सपीरियंस चाहिए फुल ऑफ पावर वाला, तो ये गेम गाइस वैसी है, मैंने प्ले की हुई है। तो गाइस आप सभी लोगों को मैं बता दूं ये गेम बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है स्टीम पे। स्टीम अगर आप सभी लोगों के पास नहीं आप कर लेना, स्टीम एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है टू डाउनलोड गेम्स। एंड आप में से ज्यादातर बंदे तो स्टीम यूज करते होंगे, मतलब ज्यादातर बंदे स्टीम यूज करते होंगे, अगर आप सभी लोग नहीं करते भाई डाउनलोड करो, बहुत ही सिंपल आपको आईडी बनानी होगी। इसमें गाइस ये गेम फ्री है तो आप सभी लोगों को डाउनलोड कर लेनी है। एंड गाइस बात करें गेम की रिक्वायरमेंट के बारे में, तो रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप सभी लोगों को मैं क्या बताऊं, आपके गाइस किसी भी यहां पर लो एंड पीसी में गेम आराम से चल जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अगर आप सभी लोगों के पास बहुत ही पुराना पीसी है तो फिर भी गेम आपके बीच में आराम से चल जाएगा, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाले इसको चलाने में, तो इस गेम जरूर ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया गेम है। वेल तो गाइस बात करते हैं इस गेम के बारे में, इस गेम का नाम है गाइस प्लैनेट साइड 2। अगर गाइस आप सभी लोगों ने प्लैनेट साइड 1 को प्ले किया होगा तो गाइस सिंपली उसका सीक्वल है ये गेम, यानी कि उसको ही कंटिन्यू किया गया है, ज्यादातर सेम ही मुझे लगती है इसके जो यहाँ पर जितना भी वर्ल्ड है वो बिल्कुल सेम ही है, बट गाइस यहाँ पर बहुत सारी और भी चीजें यहाँ पर ऐड की गई हैं। जिन्होंने गाइस प्लैनेट साइड 1 भी नहीं प्ले किया उनको मैं बता दूं, ये गेम गाइस एक मल्टीप्लेयर गेम है, फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है एंड ऑनलाइन गेम है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है जैसे आपको पता है। तो गाइस ये गेम बहुत ही ज्यादा बढ़िया फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, उनमें से मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है। इस गेम में गाइस आप सभी लोगों को बहुत सारी टेरिटरीज को कैप्चर करना पड़ता है, 1200 से भी ज्यादा प्लेयर होते हैं इस गेम में, 18 टाइप के गाइस आप सभी लोगों को अलग अलग व्हीकल्स मिलते हैं इस गेम में। ये गेम गाइस थोड़ी सी हैवी है, थोड़ी ग्राफिक्स डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा सीपीयू की यूसेज लेती है, तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स होने वाले हैं वो भी थोड़े से हाई होने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी लोगों को कम से कम 4GB रैम, एक डिसेंट GPU और एक डिसेंट CPU चाहिए होगा, यानी कि प्रोसेसर भी चाहिए होगा, मतलब कौन सी गेम है जिसको प्रोसेसर नहीं चाहिए होता, मतलब बढ़िया प्रोसेसर चाहिए होगा। आप सभी लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर लैग देखने के लिए मिलेगा अगर आप सभी लोग बहुत ही लो एंड पीसी यूज कर रहे हो, बट गाइस गेम बहुत ज्यादा बढ़िया है, आप सभी लोगों को गेम खेलकर मजा आएगा। आप सभी लोग जो बेसिक एक दो गेम्स खेलते हैं उनसे थोड़ा सा बाहर आकर और गेम्स को भी एक्सप्लोर किया करो, तभी गाइस आप सभी लोग रियल गेमर बनोगे, क्योंकि रियल गेमर भाई सब सभी गेम्स को ट्राई करता है। तो गाइस आप सभी लोगों को ट्राई करने चाहिए, सभी गेम्स देखने चाहिए, क्या पता आप सभी लोग एक्सप्लोर करते करते हुए बढ़िया गेम हाथ में लग जाए जो कि आप सभी लोग घंटों खेलो। तो गाइस आप सभी लोगों को ट्राई करनी है, ये वाली गेम भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया गेम है। वेल तो गाइस बात करें नेक्स्ट गेम के बारे में, ये वाले गेम का नाम है गाइस स्क्रैप यार्ड सिमुलेटर। अब गाइस यहां पर मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे ऐसे गेम्स डाले हैं जो कि बहुत अलग अलग तरीके के हैं, बहुत सारे अलग तरीके के गेम्स आपको बताए हैं, बट गाइस मैंने कभी भी मैंने देखा है मैं ज्यादातर सिमुलेटर गेम्स को नहीं बताता। तो गाइस मुझे नहीं पता मैं सिमुलेटर गेम्स के बारे में आपको क्यों नहीं बताता, बट गाइस मैंने सोचा अब आपको बता दूं। तो गाइस स्क्रैप यार्ड सिमुलेटर एक बहुत ज्यादा बढ़िया गेम है जो कि गाइस बेसिकली एक जंक यार्ड है, इनके कबाड़े की दुकान। आप सभी लोग गाइस करना क्या पड़ता है, बहुत सारी जगह जगहों से भाई साहब ट्रक लेकर कबाड़ लेकर आना पड़ता है, आप सभी लोग उसको रिस्टोर करके नया माल बनाते हो, कुछ कबाड़ को एक्सचेंज करते हो प्राइजेस में, जिससे आपको थोड़ा प्रॉफिट भी होता है, थोड़ा बिजनेस माइंड आपका तेज हो जाएगा इसको प्ले कर। एंड आप सभी लोगों को बहुत सारे आइटम्स, फर्नीचर, कार्स, अप्लायंसेज, मतलब क्या क्या भाई साहब रिस्टोर करना पड़ेगा, आप सभी लोगों को मजा आएगा। आप सभी लोगों को क्रशर भी मिलेगा जो कि भाई साहब सारे कूड़े कबाड़ जो भाई जंक आपको लेकर आते हैं उसको क्रश कर देगा, मतलब गाइस पूरा सिमुलेशन है। आप सभी लोगों को पता है सिमुलेटर गेम कैसे होते हैं, वैसा गाइस ये गेम है, बहुत ज्यादा मुझे पर्सनली ठीक लगा देखने के लिए। तो गाइस आप सभी लोग इस गेम को ट्राई कर सकते हो। इस गेम को चलाने के लिए भी गाइस आप सभी लोगों को एक डिसेंट बजट पीसी चाहिए होगा, ये भी गेम थोड़ी सी हाई ग्राफिक्स डिमांडिंग है, बिकॉज सिमुलेटर है, बहुत कुछ इंक्लूड है इस गेम में। तो गाइस आप सभी लोगों को पीसी थोड़ा बढ़िया रखना पड़ेगा अगर आप सभी लोग इस गेम को प्ले करना चाहते हो। अगर आप सभी लोगों के पास एक 750 Ti जैसा ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक ठाक i3 प्रोसेसर है, 8GB रैम है या फिर 6GB 4GB भी है ना,
तो भी गाइस आप सब लोग इस गेम को प्लेएबल हो जाएगी, आपके लिए प्ले कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया गेम है ये। वेल तो गाइस बात करें नेक्स्ट गेम के बारे में, इस गेम का नाम है गाइस एपेक्स लेजेंड्स। अब गाइस हो सकता है मैंने पहले आपको बताया हो, मुझे लगता है गाइस आप सभी लोगों को पता भी होगा एपेक्स लेजेंड गेम्स के बारे में, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बट गाइस मैं अब आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये गेम्स में अपडेट आते रहते हैं। ये गेम गाइस ज्यादा से ज्यादा 22 पीसेस में चल रही है। एंड गाइस मैंने अपने फ्रेंड को देखा जिसके पास एक 4GB रैम थी, i5 प्रोसेसर था उसके पास, एंड गाइस 730 था, वो भी गाइस इस गेम को प्ले कर रहा था, मतलब प्लेएबल एक्सपीरियंस उसको भी मिल रहा था एपेक्स लेजेंड्स में। तो गाइस आप सभी लोगों को ये गेम ट्राई कर लेनी है, मुझे पता है पहले बताई होगी, बट गाइस अगर आप सभी लोगों ने अभी तक इस गेम को ट्राई नहीं किया तो गाइस मैं इंकरेज कर रहा हूं आप सभी लोग उसको ट्राई करो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया गेम है। इसमें गाइस आप सभी लोगों को थोड़ा सा फर्स्ट पर्सन शूटर के साथ साथ अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलेंगी, वास्ट चीजें देखने के लिए मिलेंगी, बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, मतलब आपको थोड़ा सा मजा ज्यादा आएगा इस गेम को प्ले करके अगर आपने कभी भी ट्राई नहीं किया। और अगर आपको लगता है गेम बेकार होगी तो गाइस ऐसा नहीं है, ट्राई करो जाकर, यह गेम बहुत ज्यादा बढ़िया है। इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है, बहुत ज्यादा बढ़िया रिक्वायरमेंट इसको चाहिए, बट जैसे मैंने आपको बता दिया मेरे दोस्त के यहाँ पर एग्जांपल के बारे में, तो गाइस अगर आप सब लोग चलाकर देखना चाहते हो तो चलाकर देख सकते हो, बहुत ज्यादा बड़े साइज की गेम है, बट गाइस गेम बहुत ज्यादा बढ़िया है। गेम का गाइस साइज थोड़ा सा ज्यादा है, बट गाइस इतना भी ज्यादा नहीं, आप सब लोगों का पीसी हैंडल कर लेगा। तो गाइस प्लीज ट्राई करना इस गेम को अगर आपने अभी तक नहीं किया। बात करेंगे नेक्स्ट गेम के बारे में, तो गाइस ये वाली गेम भी मैं इंक्लूडेड कर चुका हूं, मतलब सबको पता है गेम के बारे में, फोर्टनाइट। गाइस यहां पर आप सब लोग कह रहे हो कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं गेम्स को, बट गाइस मैं आप सभी लोगों को रिफ्रेश करना चाहता हूं, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि गाइस मुझे पता है जितने लोग यहां पर वीडियो देखेंगे ना, कोई भी एक्चुअली गेम्स को डाउनलोड नहीं करने वाला, दैट्स अ रियलिटी। सो गाइस आप सभी लोगों को मैं बता दूं, फोर्टनाइट ट्राई करो। अब गाइस यहां पर इंडिया में फोर्टनाइट का क्रेज इतना कम है, मुझे नहीं पता क्यों है, बट गाइस यहां पर फोर्टनाइट गेम को बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट मत करना, बहुत ही बढ़िया गेम है। आप सभी लोग कम से कम एक बार जाकर प्ले करो, डाउनलोड करो, ट्राई करो, अगर नहीं बढ़िया लगती भाई डिलीट कर दो, किसी ने फोर्स आपको नहीं किया, बट गाइस ट्राई जरूर करा करो। मैंने देखा है बहुत ज्यादा लोग ऐसे गेम्स को ट्राई करते ही नहीं है, बट गाइस एक बार ट्राई करके देखो, नहीं बढ़िया लगेगी डिलीट कर देना। अगर आपके पास रिसोर्सेज है उसको डाउनलोड करने के लिए, आपके अगर वाईफाई लगा हुआ, आपको प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, फिर भी आप नहीं कर रहे, तो गाइस ये तो आपकी गलती है। आप सब लोग ट्राई करो, डाउनलोड करो, नहीं बढ़िया लगेगी डिलीट कर देना, बट गाइस एक बार ट्राई जरूर करो। एपेक्स लेजेंड्स, फोर्टनाइट, ये दो गेम्स ऐसे हैं जो मैंने आपको पहले बताई हुई है बट आपने कभी ट्राई नहीं की होंगी, तो गाइस ट्राई करो। जिन्होंने ट्राई की है वो बंदे गाइस कमेंट बॉक्स में बताओ कि गेम्स कितनी ज्यादा बढ़िया है। बाकी गाइस मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मैंने बहुत सारे पार्ट्स बनाए हुए हैं फ्री गेम्स के ऊपर, तो गाइस वो पार्ट भी चेक करो। मैं मिलूंगा गाइस जल्दी आपको अगला पार्ट लेकर, अगर आप सभी लोग चाहते हो, तब तक गाइस मैं कर लेता हूं अपनी वीडियो को एडिट।